हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरदीम और आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप। आज हम बात करेंगे कि सैमसंग गलेक्सी G531 ग्रैंड प्राइम प्लस के अंदर गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सिंपली आप अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर ले। अगर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट नेटवर्क इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर लगा हुआ है जीमेल अकाउंट, जिसका आईडी और पासवर्ड हमको मालूम नहीं है, इसे कैसे फिक्स करना है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने जीमेल अकाउंट पूछ रहा है जिसका आईडी और पासवर्ड हमें मालूम नहीं थे। सिंपली आप बैक कर लीजिएगा और मेन स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दो फिंगर रेगुलर स्क्रीन के ऊपर प्रेस करके रखने हैं, प्रेस करके ही रखने हैं जब तक न्यू स्क्रीन पॉपअप ओपन ना हो जाए। टैप करके ही रखना है आपको रेगुलरली। जैसे कि आपके सामने न्यू स्क्रीन ओपन हो गई, अब यहाँ पर डबल टैप करेंगे नेक्स्ट पे, फिर से डबल टैप नेक्स्ट, फटाफट करना है नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे फिनिश, और यहाँ पर एल शेप है। ओके, फिर फीडबैक पे टैप, सॉरी यहाँ पर टॉक बैक पे आपको टैप करना था। टॉक बैक सेटिंग पे जाना है आपको, सेटिंग पे ओके, डबल बार टैप करना है। यहाँ पर टू फिंगर्स स्क्रॉल डाउन करेंगे, टू फिंगर्स से यहाँ पर एक्सप्लोर बाय टच पे टैप करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर जाएंगे टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे टैप करेंगे, यहाँ पर इंटरनेट पर सेलेक्ट करेंगे जस्ट वन। मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ साउंड इसकी। यहाँ पर जाना है गूगल पे और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्विक शॉर्टकट मेकर एक करके एप्लीकेशन है। क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन आ गई। इस एप्लीकेशन का आपको सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड, ओके, स्टार्ट, डाउनलोड हो गया। यहाँ पर बुक मार्क में देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर डाउनलोड हिस्ट्री में देखेंगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। सिंपली हमें इसे इंस्टॉल करना है, सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग पे टैप करने के बाद हमें जाना है हमें इस पे अनकोन सिक्योर पे टैप करना है। ओके ओके, इंस्टॉल कर लेनी इस एप्लीकेशन को। इंस्टॉल इंस्टॉल होने के बाद सिंपली ओपन कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर सर्च करना है गूगल, गूगल अकाउंट मैनेजर। आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर। अब यहाँ पर गूगल अकाउंट मैनेजर में आपको सिंपली टाइप ईमेल एंड पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर टैप करना है और ट्राई पे फिर टैप करना है। यहाँ पर आप कोई भी, यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको टैप करना है। ब्राउज साइन इन पे जाना है, ब्राउजर साइन इन पे उसे ओके कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी अपना एक जीमेल अकाउंट या तो क्रिएट कर लीजिए, या फिर कोई भी एक, आप कोई भी अपना एक जीमेल अकाउंट डाल लीजिए। जैसे कि मेरे पास एक डेमो अकाउंट है, मैंने इसके अंदर साइन इन कर लिया अपना जीमेल अकाउंट। कोई भी आप जीमेल अकाउंट साइन इन कर लीजिए। ओके, साइन इन करने के बाद कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली आपका मोबाइल, अगर आपके सामने ये स्क्रीन ओपन नहीं होती तो आपको आप जिस तरह से क्विक शॉर्टकट मेटिक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, यहाँ वहाँ पर आपको गूगल प्ले, गूगल सर्विस, गूगल प्ले सर्विस 6.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसे इंस्टॉल कर लेनी है। सिंपली क्विक शॉर्टकट मेकर जैसे डाउनलोड किया, वैसे तो फर्स्ट आप मेथड ट्राई कर लीजिए, इससे ज़्यादातर हो जाता है, आ ही जाता है। बाकी यहाँ पर फिर आप इसे रिस्टार्ट कर लीजिए अपने मोबाइल को और वेट करिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके,
अभी कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई है, देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, स्किप स्किप स्किप, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप 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 कर देना है, स्किप। अगर आपका या कोई फ्रेंड का मोबाइल है या किसी और का मोबाइल है तो आप अपना जीमेल अकाउंट रिमूव कर लीजिए और फिर से आप मोबाइल दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे चैनल को मोबाइल लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।